नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी अपडेट आ रही है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की की तरफ से। दोस्तों, यहां पे वैकेंसी निकाली गई डिप्लोमा के लिए और बीटेक स्टूडेंट के लिए वैकेंसी यहां पे निकाली गई है। वैकेंसी भी यहां पे ठीक ठाक रखी गई है और फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों प्रकार के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यहां पे अलग अलग वैकेंसी बताई गई है। और अच्छी बात यह कि यहां पे आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है, कोई भी आपका रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। और आपके जो इंटरव्यू है 5 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक आपके इंटरव्यू होने वाले। तो कौन सी पोस्ट के लिए किस डेट को होंगे इसके बारे में जानकारी लेंगे, कहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई है, कितनी एज लिमिट यहां पे मांगी गई है और यहां पे सैलरी के बारे में और किस हिसाब से आपको आवेदन करना है, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पे कई प्रकार की वैकेंसी है। बीबीटेक के लिए भी वैकेंसी है, एमएससी बीएससी के लिए भी वैकेंसी है, लेकिन अपन बीबीटेक और डिप्लोमा के लिए जो वैकेंसी है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पहली जो वैकेंसी आ रही है प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड फर्स्ट के लिए, यहां पे 9 वैकेंसी रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। बीबीटेक शेड्यूल वाले अप्लाई करेंगे, 5 दिसंबर को इनका इंटरव्यू होने वाला है। 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपकी वहां पे एंट्री होनी चाहिए। नंबर 2 पे प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड 2 की वैकेंसी है, 9 वैकेंसी यहां पे रखी गई है। बीबीटेक शेड्यूल वाले अप्लाई करेंगे, लेकिन यहां पे 2 साल का अनुभव मांगा गया। पहली पोस्ट के लिए फ्रेशर्स बच्चे आवेदन करेंगे, ठीक है। और सैलरी आप यहां पे आप देख पाओगे, सैलरी के साथ में आपको एचआरए भी यहां पे मिलने वाला है। तो लगभग 35,000-40,000 रुपए के आसपास में आपकी टोटल सैलरी है वो हर एक पोस्ट के लिए बनी जाएगी। नंबर 5 पे देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड फर्स्ट के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी रखी गई है। 25,000 प्लस आचार्य मिलेगा, 35 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। बीबीटेक मैकेनिकल और मैकेट्रॉनिक्स वाले इसके अंदर आवेदन करेंगे, 6 दिसंबर को इनका इंटरव्यू होने वाला है। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी रखी गई है, 42,000 रुपये प्लस आचार्य मिलेगा, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। बीबीटेक मैकेनिकल होनी चाहिए, उसके बाद में 4 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, 6 दिसंबर को आपका इंटरव्यू होने वाला है। नंबर 7 पे प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड 1 के लिए भी 1 वैकेंसी रखी गई है। बीबीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले इसके अंदर आवेदन करेंगे। 15 नंबर पर परियोजना सहायक के लिए 8 वैकेंसी रखी गई है, जिसमें 3 साल का डिप्लोमा सिविल वाले आवेदन करेंगे। फ्रेशर्स के लिए अच्छी यहां पे अपडेट है, 8 वैकेंसी है वो डिप्लोमा फ्रेशर्स डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्ट हो सकते हैं। 20,000 रुपये प्लस आचार्य मिलेगा, आयु सीमा यहां पे काफी रखी गई है। 8 दिसंबर को आपका इंटरव्यू होने वाला है। परियोजना सहायक ग्रेड फर्स्ट के लिए यहां पे 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल में मांगा गया। इसी हिसाब से प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड 2 के लिए 35 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। बीबीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस वाले वहां पे जा सकते हैं। उसी हिसाब से प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड 2 के लिए यहां पे 2 वैकेंसी रखी है। बीबीटेक कंप्यूटर साइंस प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो कुछ इसी हिसाब से यहां पे वैकेंसी रखी गई है। इंटरव्यू की डेट है वो आप नोट कर लीजिएगा, साथ ही ये नोटिफिकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसी नोटिफिकेशन के साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलने वाला है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इस एप्लीकेशन फॉर्म का आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और सभी डॉक्यूमेंट के साथ में जो डेट इन्होंने बता रखी है उस डेट को आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया के बारे में इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है, भी आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको 6-6 प्रति यानी कि 6 सेट आपको बना के लेके जाने, 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपका वहां पे इंटरव्यू लेने का आपका टाइम रहने वाला है। साक्षात्कार का स्थान यहाँ पे इन्होंने बता रखा है CSIR, ठीक है, रुड़की का यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दे रखा है, इसी एड्रेस पे आपको जाना होगा। चलिए, उसके बाद में इन्होंने सभी चीज़ें है वो इंग्लिश के अंदर भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। तो हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई भी लैंग्वेज आपको समझ में आए अच्छे से आप दोबारा भी पढ़ सकते हो। जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है हिंदी में भी इन्होंने दे रखा है, इंग्लिश में भी इन्होंने दे रखा है। तो किसी एक लैंग्वेज के अंदर आपको फिलअप कर लेना है और सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको इंटरव्यू वाली डेट पे आपको रुड़की पहुंच जाना है। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू।